हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमलता माथुर जिया की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं लौकी की मुठिया, जो कि गुजराती डिश है और बहुत ही अच्छा स्नैक्स है खाने में। लौकी की मुठिया बनाने के लिए हम लोगों ने लौकी को छील के और घिस ली है, और इसमें अब हम लोग मसाले और सब चीज़ें जो जो इसमें डलती है वो डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं क्योंकि ये गीली सी होती हैं, और फिर थोड़ी मिर्ची डालेंगे स्वादानुसार, और हल्के से हल्दी डालेंगे, बिल्कुल हल्की से डाल देंगे जिससे अच्छा कलर आ जाएगा, और हरी मिर्ची काट के रखी है वो थोड़ी डाल देंगे, और थोड़ा सा हम लोग अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और थोड़ा सा हम लोग लहसुन दर दरा लहसुन हमने कूट के रखा है वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे, और इसमें कुछ सबसे पहले हम लोग थोड़ी बेसन मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक चम्मच एक डेढ़ चम्मच बेसन मिलाएंगे, और आटा मिलाएंगे, आटा थोड़ा हम ज़्यादा ले लेंगे, और सूजी मिलाएंगे, सूजी आटे से आधी लेंगे, और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और इन सबको हम लोग हाथ से ही मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसकी मुठिया यानी गांठ मतलब हाथ से मुट्ठी से बनाते हैं उसको मुठिया कहते हैं, और चाहें तो हम लोग गोल गोल गट्टे जैसे भी बना के, क्योंकि अब इसको हमको स्टीम देनी है तो अपने पसंद की हम लोग शेप दे सकते हैं जिससे कि अंदर तक स्टीम पहुंच जाए और ये पक जाए लौकी। तो इसमें जो सामान हमने मिलाए हैं वो हम लोगों ने मिक्स कर लिया है, और इस तरह से अब ये आटा हमारा रेडी हो गया है मुठिया के लिए, और इसके हम लोग गट्टे के रूप में रोल्स बना लेंगे और स्टीम देने के लिए। तो इस तरह से एक बना लिया हमने रोल बना लिया, इस तरह से हमने ये इसके रोल बना लिए हैं, और जिनको अब हम स्टीम देंगे। अब मुठिया स्टीम देने के लिए हम लोगों ने एक पैन में पानी उबाल लिया है, और एक ये जाली रख दी है, और इस जाली के ऊपर हमने जो ये मुठिया बनाई थी वो स्टीम करने के लिए रख देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा ये गैस तेज कर देंगे, और थोड़ा जब भाप बनने लग जाएगी तो इसको धीरे कर देंगे और ढक देंगे। तो देखिए ऊपर तक पानी आने लगा, स्टीम बनने लगी है, तो हम लोग इसको ढक के और 10-15 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे जिससे कि ये अंदर तक पक जाए। अब ये मुठिया स्टीम से तैयार हो गई है और साइज़ में भी डबल हो गई है, तो हम लोग गैस बंद कर देते हैं और इनको हम लोग ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए हम लोग इसको प्लेट में डालेंगे और 10-15 मिनट में ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम इनमें तड़का लगाएंगे, फिर ये खाने के लिए तैयार है। अब ये मुठियाँ हमारी ठंडी हो गई हैं और इनको हम लोग काट लेते हैं, अपनी पसंद की शेप में काट लेते हैं, जैसा भी आपको पतले मोटे और लंबे जिस तरह भी आपको काटने हैं इस तरह से काट लेते हैं। ठंडे होने से ये टाइट भी हो गए हैं तो आसानी से कट रहे हैं, और अंदर तक ये पक गए हैं। मुठिया के लिए इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इस सबसे पहले हम लोग तेल गरम हो गया है कढ़ाई में, और इसमें थोड़ी हल्की सी हींग डाल देते हैं, और उसके बाद हम लोग थोड़ी राई डाल देंगे। राई तड़क जाएगी उसके बाद हम लोग ये
इसमें कड़ी पत्ता डाल देते हैं, मीठा नहीं। अब ये तड़क गया है तो हम लोग ये मिर्चियाँ डाल देते हैं। मिर्चियाँ डालने के बाद हम लोग हल्का सा इसमें नमक डाल देते हैं, ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देते हैं। हल्की सी हल्दी डाल देंगे जिससे कि इसका कलर भी अच्छा आएगा और देखने में सुंदर लगेगी। और थोड़े से तिल डाल देते हैं, इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा, देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे, इसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी। अब हम लोग आपके लिए इसमें धनिया जो कटा हुआ है वो और ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारी ये और गैस बंद कर देते हैं। इसके हमारी तड़का भी लग गया है और हिला दिया इसको अच्छे से। और इस तरह से हमारी ये मुठिया खाने के लिए तैयार है। तो देखिए ये मुठिया बनके तैयार है और देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है और हो सकता है स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हमने आज ये लौकी की मुठिया बनाई है। थैंक यू।